नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 ईवीएस सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक पार्ट 2 के बारे में। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट हैबिट्स डिफरेंट पहनावा। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 का आगे का पोर्शन, क्लाइमेट एंड फिजिकल फीचर्स ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉप ग्रोन। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में ठंडे पहाड़ हैं, गर्म मैदानी क्षेत्र हैं और साउथ के एरियाज़ हैं, ईस्ट में नमी है और वेस्ट में सूखा एरिया है। मैं आपको बताती हूँ, आप अपने मैप को इधर रखिए। जब आप इधर रखेंगे तो सबसे ऊपर नॉर्थ रहेगा, नीचे साउथ रहेगा और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, सभी मैप्स इसी आधार पर बनाए गए हैं कि सबसे ऊपर आपका नॉर्थ रहता है। तो यहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ हमारा नमी का क्षेत्र है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा इस एरिया में रहती है, यहाँ हमारा सूखा एरिया है, बहुत सूखा एरिया है, पानी की कमी है, और यहाँ हमारा गर्म एरिया है, समुद्र के पास वाला एरिया है जो ज़्यादातर गर्म रहता है पानी की गर्मी की वजह से। तो अब आगे पढ़ते हैं, क्लाइमेट्स एंड फिजिकल फीचर्स ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉप्स ग्रोन। ये अलग अलग जो क्लाइमेट है और जो भौतिक गुण हैं, इनकी वजह से जो भी हमारी फसल उगती है वो भी अफेक्ट होती है। द स्टेपल डाइट और मेन फूड डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इजीली अवेलेबल। स्टेपल डाइट मतलब मुख्य भोजन। मुख्य भोजन किसी भी रीजन का इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर आसानी से क्या उपलब्ध हो सकता है। दीज फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लोदिंग ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ये फैक्टर्स जो हैं, इनसे उस पर्टिकुलर रीजन की क्लोदिंग यानी कपड़े पहनावा भी डिपेंड करता है। द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज टेल्स अस मोर अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो अगले पेज में जो मैप है वो भारत में और ज़्यादा क्या क्या विविधताएं हैं उनके बारे में भी बताता है। तो ये देखिए, ये आपका मैप है, ये यहाँ पर चार भागों में बांटा गया है और ये जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका मैप की क्या क्या डायरेक्शंस हैं ये बताया गया है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो सबसे ऊपर क्या है, ये जो रीजन है इसके लिए ये ब्लू है, जितना भी ये येलो वाला रीजन है उसके लिए ये है, ग्रीन वाले रीजन के लिए ये है, ग्रीन वाला रीजन समुद्र के किनारे वाला रीजन है, और फिर ये वाला रीजन भी इसके लिए ही है। तो ये येलो वाला रीजन दो पोर्शंस में है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं ब्लू वाले रीजन के बारे में। यहाँ पर जो क्लोदिंग कपड़े फूड हैबिट्स यहाँ यहाँ पर सेम है, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ों के पास में आते हैं, यहाँ भी पहाड़ हैं यहाँ भी और इनके चारों तरफ पे। क्लाइमेट, इट इज़ कोल्ड इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड सोन। तो सर्दी इन इन राज्यों में है। क्लोदिंग क्या क्या पहनते हैं, पीपल यूज़ वार्म, क्योंकि ठंड है तो क्या पहनेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, तो पीपल यूज़ वार्म वूलन क्लोदिंग, कश्मीरी पश्मीना शॉल्स एंड शॉल्स फ्रॉम नागालैंड एंड मणिपुर आर फेमस। तो प्रसिद्ध कौन कौन से शॉल हैं, कश्मीरी शॉल जो कि पश्मीना एक ऊन का टाइप है, सो पश्मीना शॉल्स और शॉल्स फ्रॉम नागालैंड और मणिपुर से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फूड क्या क्या भोजन खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स जो भी वहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं सीजनल, एंड वेजिटेबल्स जो भी वेजिटेबल्स मिलती हैं, और मीट वहाँ पर पॉपुलर है, मीट एक्चुअली गर्म रखता है, मांस जो होता है वो गर्मी पैदा करता है, इसलिए वहाँ के लोग मांस खाते हैं। अब आता है ये वाला रीजन, इस वाले रीजन का क्या कैसा है, क्लाइमेट क्या है, इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान और गुजरात में डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान है। इट इज़ इधर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, या तो बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, जैसे कि आप समर में देखते हैं बहुत गर्मी या बहुत सर्दी होती है। हम भी हरियाणा में राजस्थान के पास ही रह रहे हैं, इसलिए ये जो राजस्थान का मौसम है वो हमें भी मिलता है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज प्लांट्स एंड फ्लावर्स, राजस्थान में जहाँ रेगिस्तान है गुजरात में, वहाँ पर बहुत कम पेड़ हैं क्योंकि पानी नहीं है, प्लांट्स और फ्लावर्स भी बहुत कम है। क्लोदिंग कपड़े कैसे पहनेंगे, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम लाइट कॉटन, लाइट कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते हैं जिससे कि ज़्यादा गर्मी ना लगे। दे आर ब्राइट एंड कलरफुल, बहुत ब्राइट और कलरफुल कपड़े पहनते हैं। मिरर्स आर यूज टू डेकोरेट क्लोथ्स, कपड़ों को सजाने के लिए मिरर्स, छोटे छोटे मिरर्स यूज़
में लेते हैं। वुलन शॉल्स आर यूज टू कीप वार्म ड्यूरिंग विंटर्स, और सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए वुलन शॉल्स यूज, वुलन मतलब ऊनी, ऊनी शॉल्स यूज करते हैं। फूड, भोजन क्या है? बाजरा एंड मीट आर पॉपुलर इन द डेजर्ट। जो रेगिस्तान है वहाँ पे बाजरा होता है, क्योंकि गर्मी जहाँ होती है वहाँ बाजरा की फसल होती है जो बिना पानी के हो जाती है, इसलिए बाजरा और मांस ही इनका मुख्य भोजन है। अब आते हैं ग्रीन वाले एरिया में। ये देखिए, ये सारा जो समुद्र के किनारे, यहाँ सब समुद्र है, यहाँ यहाँ तो समुद्र के किनारे वाला जितना भी एरिया है वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है? क्लाइमेट इन द प्लेन्स एंड हाईलैंड्स एंड प्लेट्यूस द क्लाइमेट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, मैनी ग्रेन्स आर ग्रोन। सो यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये समुद्र के किनारे वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे ग्रेन्स मतलब अनाज उगाए जाते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। क्लोथिंग, कपड़े क्या क्या पहनते हैं? तो पीपल वेयर कॉटन धोतीस, कुर्तास एंड सारीस इन द वार्म सीजन एंड वार्म क्लोदिस इन द कोल्डर सीजन। जब थोड़ा सा गर्म मौसम होता है, यहाँ पे हॉट नहीं होता, हल्का सा गर्म होता है, तो उसमें क्या क्या पहनते हैं लोग? धोती, कुर्ता, साड़ी ये सब पहनते हैं और जब सर्दियाँ होती हैं तो गर्म कपड़े पहनते हैं। क्या क्या खाने की क्या क्या हैबिट्स हैं? ग्रेन्स, अनाज, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूज्ड। तो वेजिटेबल्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स खाते हैं। अब आता है नीचे का पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में क्या क्या खाते हैं? क्लाइमेट क्या है? इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो रीजन इसमें दिए गए हैं, यहाँ से चलिए यहाँ तक, कोस्टल रीजन्स मतलब समुद्र के किनारे वाले रीजन्स। तो इनमें हॉट है, गर्मी भी बहुत है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, चिपचिपापन जैसे बारिश होती है उस मौसम में होता है ना, वैसा उमस वाला। क्लोथिंग क्या क्या पहनते हैं? वियर कॉटन मुंडूस, कॉटन के मुंडूस पहनते हैं जैसा कि पिछले उसमें बताया था मैप में। धोती और साड़ी पहनते हैं, लूज कॉटन क्लोथ पहनते हैं जिससे कि वो बॉडी से चिपके ना, क्योंकि चिपचिपा मौसम रहता है ना इसलिए। फूड क्या क्या खाते हैं? फिश इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट। यहाँ के मुख्य भोजन में मछली मेन होती है, क्यों? क्योंकि समुद्र में आसानी से मछली उपलब्ध हो जाती है। राइस ग्रोज एज वेल, राइस ज़्यादा पानी में उगता है इसलिए, क्योंकि समुद्र के पास पानी ज़्यादा है तो इसलिए राइस वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। हेंस पीपल मेक मैनी डिशेज फ्रॉम राइस। तो राइस से बहुत सारे डिशेज बनाते हैं, जैसे राइस इडली, राइस राइस कढ़ी, राइस से पापड़ बनाते हैं, राइस के, राइस की सूजी बनाते हैं, सूजी से उपमा बनाते हैं, उत्पम भी बनाते हैं। उसके अलावा बहुत तरह के राइस बनाते हैं वो, राइस, जीरा राइस, ऑनियन राइस, तो राइस की इतनी सारी डिशेज बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे का पोर्शन कल करवाएंगे। थैंक यू।